इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। FIIs ने शुक्रवार को कैश मार्केट में करीब 620 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2100 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3100 करोड़ की बिकवाली की, इंडेक्स ऑप्शंस में 1200 करोड़ की खरीदारी की। स्टॉक फ्यूचर्स में FIIs ने 7300 करोड़ की बिकवाली की, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 120 करोड़ की खरीदारी की। तो FIIs की बिकवाली की जो ट्रेंड दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और इंडेक्स लेवल्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रखने चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अशीषा। देखिए, ये जो मार्केट के अंदर आप गिरावट देख पा रहे हैं और इसकी जो रीजनिंग अभी आप कर रहे थे वो टिपिकली थोड़ी ग्लोबल है। पहले तो हमको इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा कनेक्ट और डिसकनेक्ट करके देखना होगा। इंडियन मार्केट्स की प्रॉब्लम क्या है? इंडियन मार्केट्स की प्रॉब्लम थोड़ी हल किसी वैल्यूएशन के आके रुक रही है कि वहां पर आके वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। और मार्केट ऑल टाइम हाई तो लगा दिया था, 25,000 से लगा दिया था, लेकिन उसके बाद कोर्स नहीं आ रहा था। ये एक दिन की बात नहीं है, ये दो दिन की बात, तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद, पिछले 10 दिन से मार्केट 25,000 को होल्ड करके बैठा था, बट 25,000 को ऊपर के फोर्स से नहीं तोड़ रहा। फाइनली ग्लोबल मार्केट ने अपना असर दिखाया और जैसे ही ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़े भी तल के नंबर आए, इंडियन मार्केट को भी भरभरा के और मार्केट ने रिएक्ट किया है। जैसे इंडियन मार्केट ने भी जो तीन एक्सरसाइज थे उसमें रिएक्शन दिया है। ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट था और हम नहीं करें, हमने इतना फास्ट रिएक्शन टिपिकली देखा नहीं। अगर आप इसके तो सिर्फ 1% बढ़ा गया था। सेम जगह बैंक इसकी 1.2% ऑफ स्विंग। तो डिम्पी जी का आवाज़ हम तक नहीं आ रही, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हम तक उन्होंने भेजे हैं उस पर नज़र डालेंगे। तो निफ्टी पर 24,800 से 24,500 ये सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और 25,000 और 25,200 के रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी आप नज़र रखें। इसी के साथ बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 50,500 से 50,000 के अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और 50,800 से 51,200 के रेजिस्टेंस लेवल्स। तो इन लेवल्स पर आप अपनी नज़र रखें। लेकिन बाजार पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुट चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? ग्लोबल बाजारों से काफी कमजोर संकेत निकल कर आए, भारतीय बाजारों पर आपकी क्या नजर रहेगी? शुभ्रभात आशीषा जी। जैसा कि ग्लोबल मार्केट काफी वीक नजर आ रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी देखने को मिला है। और फ्राइडे को हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था और वहाँ पे हमारे जो की सपोर्ट लेवल्स थे 24,970 से लेकर 25,000 तक के, उसको निफ्टी ने तोड़ दिया है और अभी वो 38 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास और 20 DMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का वो अराउंड 24,770 से लेकर 24,800 के आसपास आ रहा है। अगर इसके नीचे निफ्टी की ओपनिंग होती है तो ये जो बिकवाली है वो और बढ़ सकती है। तब प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि ये निफ्टी यहाँ से अपने 50 DMA को रिटेस्ट कर सकती है और उसी के आसपास ही, जहाँ पे उसका 50 DMA है वहाँ पर उसी के आसपास ही 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। तो इनके जो मेजर जोन है वो अराउंड 24,590 से लेकर 24,500 के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी वहाँ तक फिसल सकती है और जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है निफ्टी में वो अराउंड 25,000 लेवल का आ रहा है। तो जब तक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करती है तब तक संभावना बनती है कि निफ्टी आने वाले समय में 24,500 के लेवल्स को भी टच कर सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी पहले से ही कमजोर नजर आ रही थी और उसने एक ही बार ही 50 DMA लेवल को रिक्लेम किया था, उसके बाद वहां पे हमें कोई फॉलो थ्रू बाइंग नहीं मिला और फ्राइडे को हमें वहां पर भी एक लॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन नजर आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी बैंक निफ्टी जो कि जो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 100 DMA के आसपास है, जो कि अभी 50,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हमें बैंक निफ्टी से चलता हुआ नजर आएगा, और वहां पर वो अपने जो उसका जो प्रीवियस स्विंग लो है जो कि 49,860 के आसपास आ रहा है तो वहां तक जा सकता है। तो 50,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है फिर 49,860 के आसपास आ रहा है, और जो अब अपर साइड की रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहे हैं 51,200 से लेकर 51,300 जून तक। तो जब तक बैंक निफ्टी भी इसके नीचे रहता है तब तक उसमें भी इक्वाली बनी रहेगी। अगर हम ट्रेड की बात करें तो कुछ अभी भी ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर हमें तेजी दिखाई दे सकती है। तो पहला सेगमेंट तो अपना डिफेंस सेगमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट गिरता है तो वहां पर कुछ बाइंग दिखाई देती है, और उसी में से मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा डाबर इंडिया का। ये डाबर इंडिया कई दिनों से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, और ये अभी भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि जो ब्रेकआउट आना है वो आएगा 655 के ऊपर, बट करंट लेवल से भी हम बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दे सकता है डाबर में। तो हमें डाबर को करंट लेवल पे बाय करना है अराउंड 638-642 के आसपास, और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 680 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें 630 का मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर से है, पीआई इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी फ्राइडे को तेजी देखने को मिली थी, और यहाँ पर इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन भी बनाया था, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी। इसको हमें थोड़ा सा बिल्कुल। तो डाबर पर खरीदारी की राय, 680 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है उस पर नजर डालेंगे। अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और उसके चलते कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा श्रीराम फाइनेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा अपग्रेड आया है यूबीएस की तरफ से, और इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। 2915 से बढ़ा के 3850 का प्राइस टारगेट दे रही है, अपने मल्टीपल्स जो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू उसको यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है, खासकर जिस तरह से ग्रुप में मर्जर डीमर्जर्स देखने मिले उसके जो सिनर्जेटिक बेनिफिट्स है अब प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे, और इसके लिए यहाँ पे ये अपने प्राइस टारगेट्स बढ़ा रहे हैं। 2915 से बढ़ा के 3850 का कर रहे हैं। जोमैटो, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, बेस केस प्राइस टारगेट जो है इनका खरीदारी की सलाह के साथ 335 रुपये के आसपास का, ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो है वो जोमैटो लेते जा रहे हैं, खासकर फूड डिलीवरी में, जो कि आगे इसके ग्रोथ को कहीं ना कहीं ड्राइव करेगा। FY24 से 27 तक 20% के कैगर से इस कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो ग्रो हो सकती है, और इसके लिए 335 का प्राइस टारगेट ये रख रहे हैं। फर्स्ट सोर्स एक्सिस की रिपोर्ट है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 300 से बढ़ा के 360 का किया है, ऐड की रेटिंग है। ये कह रहे हैं कि आगे चल के जो डील विंस है उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा, और साथ ही साथ अपने ईपीएस एस्टीमेट को इन्होंने 0 से 2% FY24 से 27 तक ट्वीक किया है, यानी कि बढ़ा दिया है। वैल्यूएशन भी इनको सस्ते लगते हैं, और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट अपने बढ़ाए हैं। और आखिरी में इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है बैंक्स पे, और ये नोमुरा की रिपोर्ट है। इनका कहना है कि यहाँ से अगर 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट होता है तो बैंक्स के निम्स और आरओएस में आपको दबाव देखने मिलेगा। निम्स जो है वो 15 से 20 बेसिस पॉइंट तक इम्पैक्ट हो सकते हैं काफ़ी सारे बैंक्स के, और आरओएस जो है 5 से 10 बेसिस पॉइंट लो हो सकते हैं काफ़ी सारे बैंक्स के, और इसके लिए काफ़ी सारे बैंक्स में इन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा है। आप देखिए एक्सिस, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों में प्राइस टारगेट काटा है। एक्सिस 1435 से काट के 1370, एसबीआई 1030 से काट के 980, और बीओबी 310 से काट के 280। और मैं आपको याद दिला दूं कि लगातार तीसरे बार ये इस पूरे महीने में तीसरी ब्रोकिंग हाउस है जिसने एसबीआई पे प्राइस टारगेट काटा है। बिल्कुल। तो नोमुरा की रिपोर्ट के चलते कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। इसी के साथ फर्स्ट सोर्स और जोमैटो पिछले हफ्ते भी फोकस में था और इस हफ्ते भी फोकस में रहेगा। वरुण बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।